गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सीबीएसई ने 2020-21 के सेशन के लिए 10th क्लास का 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। मतलब जो डिलीट किया है पोर्शन, उसमें 2021 मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 9th क्लास के लिए भी डिलीट किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल ओपन नहीं है, जो भी स्टडी चल रही है वो ऑनलाइन ही चल रही है। तो हो सकता है कि इस ऑनलाइन स्टडी से टाइम कम रह जाए और सिलेबस कंप्लीट ना हो। तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने 10th क्लास के सिलेबस में से 30% लगभग 30% पोर्शन को डिलीट कर दिया है। उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा पार्ट ही डिलीट कर दिया हो, उसने बीच बीच में लेसन में से कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक डिलीट किए हैं। तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए हैं। देखो, मैंने जो ये टॉपिक उठाए हैं ये सीबीएसई की जो पीडीएफ थी डिलीटेड पोर्शन की, उसमें से उठाया है। और उसमें इंग्लिश में दिया गया था, मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया है। ये थ्योरी का बता रहा हूँ मैं, 10th क्लास का सिर्फ थ्योरी में। तो एक पार्ट है धातु और अधातु, आपके बुक में तीसरा चैप्टर है ये धातु तथा अधातु। इस पार्ट में धातु निष्कर्षण एक टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है। तो इसको निकाल दिया है सीबीएसई ने, संक्षारण और उसको रोकने के उपाय, ये भी डिलीट कर दिया है। उसके बाद चौथा पार्ट है फोर्थ चैप्टर कार्बन तथा इसके यौगिक, इसमें से ये पर कार्यात्मक समूह युक्त कार्बन यौगिकों का नामकरण। देखो, इस पाठ में हमें पढ़ना होता है कि कार्बन यौगिक का नामकरण कैसे करते हैं। मतलब क्या भाई, बहुत सारे कार्बन यौगिक हैं तो इथेनॉल आएगा, इसमें एसिटिक एसिड वगैरह बहुत सारे हैं, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनको नाम कैसे देते हैं। लेकिन अब ये टॉपिक डिलीट कर दिया है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच क्या अंतर है, ये डिलीट कर दिया है। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, इथेनॉल, इथेनोइक अम्ल, इनके गुण तथा उपयोग, साबुन तथा अपमार्जक, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। अब सातवां पार्ट है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से पौधों में अनुवर्तन गतियां। देखो, जो ये मैंने लिखा ना डिलीटेड पोर्शन, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो पौधों में अनुवर्तन गतियां जो थी, ये भी पादप हार्मोन, ये एक टॉपिक था उसमें कि अलग अलग तरह के पादप हार्मोन होते हैं, जैसे जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, ऐसे ऐसे। तो ये अब नहीं पढ़ना। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण और समन्वय जंतुओं में, तो नियंत्रण और समन्वय में क्या था, तंत्रिका तंत्र, वो अब नहीं पढ़ना है। प्रतिवर्ती क्रिया, जंतु हार्मोन, जंतु में हार्मोन, जैसे मनुष्य में जो हार्मोन होते हैं बहुत सारे हैं, जैसे एड्रेनलिन है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, बहुत सारे हार्मोन हैं, वो अब डिलीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 है वंशानुक्रम तथा विकास, इसमें दो चीज़ें पढ़नी होती है, एक वंशानुक्रम क्या होता है, एक विकास मतलब एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन का कंसेप्ट ही डिलीट कर दिया है, एवोल्यूशन नहीं पढ़ना, विकास नहीं पढ़ना, पाठ नंबर 9 में विकास को नहीं पढ़ना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये पाठ नंबर 11 है, इसमें से कौन सा पोर्शन डिलीट किया, नेत्र रोग, मनुष्य की आँख में जो रोग हो जाते हैं वो, और उनको ठीक कैसे किया जाता है, ये पोर्शन डिलीट कर दिया। गोलीय लेंसों के उपयोग, लेंस का मानव नेत्र में क्या उपयोग है, ये भी पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पाठ नंबर 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें विद्युत जनित्र को डिलीट कर दिया। देखो, ये इंपॉर्टेंट थे दो, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। अब विद्युत जनित्र को डिलीट कर दिया, मतलब विद्युत मोटर ही पढ़ना है बस। दिष्ट धारा मतलब डीसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आता है, तथा इसकी आवर्ती, प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ हैं, और घरों में विद्युत धारा का संयोजन, मतलब घरों में जो बिजली की तारें कैसे बिछाई जाती हैं, ये पहले आता था, अब मतलब इसमें डिलीट कर दिया है तो अब नहीं पढ़ना। तो ऊर्जा के स्रोत, 14वां पाठ है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के रूप, मतलब ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं ना, काइनेटिक ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, ऐसे ऐसे, तो वो अब नहीं पढ़ना है। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, मतलब ऊर्जा के साधन जो पहले से हम प्रयोग कर रहे थे और जो नए होते हैं वो अब नहीं पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये नहीं पढ़ना। सौर ऊर्जा, बायोगैस, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो ये सारे पोर्शन इसमें डिलीट हो चुके हैं। देखो भाई, मेरे को जितना समझ में आया मैंने
आप लोगों के सामने ये लिख दिया है। बाकी आप एक बार सीबीएसई की साइट से जाकर डाउनलोड करके भी इसको चेक कर सकते हो। सकता थोड़ा बहुत इसमें कहीं मेरे, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से तो इसमें कोई कमी नहीं या गलती नहीं छोड़ी है, फिर भी अगर कोई इसमें गलती है तो कुछ कह नहीं सकता, एक बार सीबीएसई की साइट से जाके चेक कर लो। तो ये जो पोर्शन है ये डिलीट कर दिया गया है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन मार्च 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएंगे, ठीक है भाई। तो हो सकता है नीचे वाला आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप एक बार इसको नीचे से नीचे देख लो ये, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ठीक है भाई, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपनी जो बाकी वीडियो है जो टॉपिक की वो तो चलती रहेंगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।